हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक न्यू स्लीव्स की डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो इसके लिए हमने सिंपल स्लीव्स का पैटर्न कट कर लिया है और अब हम इसमें डिज़ाइन बनाएंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पर 3 इंच की एक लंबी पट्टी जो कि 2 इंच चौड़ी है, तो हमने इसे डबल किया और एक साइड से हम इसे स्टिच करेंगे और फिर साइड से भी हम इसे स्टिच कर देंगे। यानी कि एक साइड का मुँह हमने इसे बंद रखा है ताकि हम इस पट्टी को सीधा आसानी से कर पाए। तो किसी भी नुकीली चीज़ की मदद से हम जो मुंह बंद है उस साइड में उस नुकीली चीज़ को डालकर इस पट्टी को हम सीधा कर लेंगे। इस पट्टी को सीधा करने के बाद हमने जो स्लीव का पैटर्न कट किया है उसको लेंगे और उसके सेंटर वाले हिस्से में हम कट लगाएंगे। यानी कि जो फिटिंग वाला हिस्सा आता है वहाँ पर हमें कट लगाना है। यहाँ पर सेंटर में कट लगाने से फ़ायदा यह होगा कि हमें स्लीव के सेंटर का पता लगेगा और हमें डिज़ाइन भी सेंटर में ही बनानी है तो हमें सेंटर का मालूम होना चाहिए। तो अब हम एक पट्टी लेंगे जिसकी लंबाई है 5 इंच और चौड़ाई स्लीव के बराबर ही है। तो यहाँ पर हमने स्लीव के ऊपरी हिस्से के बराबर लिया। आप देख सकते हो कि जब हम स्लीव के ऊपर इस पट्टी को रखते हैं तो जो ऊपर वाला हिस्सा आ रहा है 5 इंच ऊपर का, तो वो बराबर आ रहा है और जो नीचे का हिस्सा है वो दोनों तरफ से लगभग 1-1 इंच ज़्यादा है। जब हम पट्टी को स्लीव से स्टिच करेंगे तो हमें दोनों साइड 1-1 इंच ज़्यादा रखना होगा। और वीडियो की शुरुआत में जो हमने डोरी तैयार की थी उस डोरी को लेंगे और उसे हम स्लीव के सेंटर में स्लीव की सीधी साइड में स्टिच करेंगे। अब हमने जो 5 इंच लंबी वाली पट्टी कट की है उसे हम स्लीव के नीचे सीधा रखेंगे, यानी कि उसकी सीधी वाली साइड ऊपर रखेंगे और उसके ऊपर जो स्लीव रखेंगे उसमें भी स्लीव की सीधी वाली साइड ऊपर रखेंगे और फिर इस पट्टी को स्लीव से स्टिच करेंगे। और स्लीव से पट्टी को स्टिच करते वक्त जो डोरी हमने ऊपर लगाई है वहाँ पर जितनी डोरी स्टिच हुई है उस जगह को हमें खाली छोड़ना है, यानी कि यह डोरी वापस उसके अंदर चली जाए इतनी जगह हमें रखनी है। तो हमने यहाँ पर बीच में थोड़ी सी गैप रखी है क्योंकि बाद में जब हम इस पट्टी को अंदर की तरफ दबाएंगे तो पीछे की तरफ कोई सिलाई वगैरह नज़र नहीं आएगी। तो यहाँ पर हम इस पट्टी को पलट लेंगे और अच्छे से सेट कर लेंगे। आप चाहो तो आपके नाखून की मदद से भी इस सिलाई को अच्छे से सेट कर सकते हो। अब हमारी जो डोरी वाली पट्टी है उसे हम ऐसे ही रहने देंगे। पहले हम जो 5 इंच लेंथ वाली पट्टी है उसे लेंगे और उसको हम ऊपर से फोल्ड कर देंगे ताकि जो कपड़े के तार वगैरह है वो बाहर नजर ना आए। अगर आप चाहो तो 5 इंच की जगह 6 इंच की पट्टी भी ले सकते हो या फिर उससे भी ज़्यादा बढ़ा सकते हो, लेकिन वो आपकी स्लीव्स की डिज़ाइन के और लेंथ के ऊपर निर्भर करेगा। तो यहाँ पर हमने पट्टी को साइड से फोल्ड कर लिया है। अब हम इस पट्टी में सल भरेंगे। तो यहाँ पर जो स्लीव का सेंटर वाला हिस्सा है बस वहीं पर हमें सल भरना है। तो हम पहले स्लीव का सेंटर वाला हिस्सा देख लेंगे और उसके बाद में हम यहाँ पर सल भर के सिलाई लगा देंगे जिससे कि सल एकदम फिक्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने छोटे छोटे से 3-4 सल भर लिए हैं और स्टिच कर लिया है। अब देखिए हमें यहाँ पर बो फिर भी चौड़ा लग रहा है, तो हम एक बार और छोटे छोटे सल उन्हीं सल के ऊपर भर देंगे जिससे कि यहाँ पर यह 20 से और सकड़ा हो जाएगा और सल बिल्कुल पास पास आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमने 2 बार सल भरे जिससे कि सल बिल्कुल पास में आ गए और पट्टी को बीच में से बिल्कुल कम चौड़ा कर दिया है। 2 बार सल भरने से फ़ायदा ये होगा कि जो सल है वो एक जगह इकट्ठे नहीं होंगे और सल भी फिनिशिंग से भराएंगे। अगर आप एक ही साथ में सल भरोगे तो इतने अच्छे से सल नहीं भराएंगे और ना ही इतने पास पास सल आएंगे। तो अब हमने जो डोरी स्टिच की थी और जो डोरी की जगह हमने छोड़ी थी, यानी कि हमने लगभग 1.5 इंच छोड़ा था कि डोरी आसानी से अंदर की तरफ चली जाए, तो यहाँ पर हमने डोरी को अंदर की तरफ डाल दिया है जिससे कि स्लीव्स की बैक साइड में भी कोई धागा कोई कपड़ा नज़र नहीं आएगा और हमारी बैक साइड से भी स्लीव बहुत ही फिनिशिंग से बनेगी।
तो यहाँ पर हमने डोरी को अंदर डालकर स्टिच करना है। तो हम स्टिच इस तरीके से करेंगे कि पीछे की तरफ कोई सिलाई नजर ना आए। तो जो डोरी के बीच वाला हिस्सा है बस वहीं से हमें इसको स्टिच करना है। यहाँ पर हमें डोरी को स्टिच कर एक साइड से किया है और दूसरी साइड से भी थोड़ा खुला रह रहा है, तो हम दूसरी साइड से भी इसे स्टिच कर देंगे। यानी कि थोड़ा थोड़ा दोनों साइड से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर डोरी की जो गोलाई है वो बहुत कम है और हमारी जो मशीन का प्रेशर फूट होता है वो उसके अंदर पूरी तरीके से नहीं मारा है, इसलिए हमने दोनों तरफ से सिलाई करके इसको अच्छे से सेट कर दिया। अब ये देखिए कि हमारी स्लीव यहाँ पर कंप्लीट हो गई, लेकिन यह थोड़ी सी ऊपर उठ रही है, तो हम यहाँ पर भी अंदर की तरफ से एक स्टिच कर देंगे जिससे कि यह बिल्कुल फिक्स हो जाएगी। और उसके बाद में हमारी स्लीव कंप्लीट है। हमने साइड कट कर दिया था और साइड से भी इसे स्टिच कर दिया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।